फिरोजपुर के कस्बा गुरु हर सहाय में जबर विरोधी संघर्ष कमेटी के निमंत्रण पर अलग अलग किसान संगठनों और मजदूर संगठनों के कार्यकर्ताओं और वर्करों ने इकट्ठे होकर कस्बा गुरु हर सहाय के गांव में मोटरसाइकिलों पर पीड़ित किसान हाकम चंद के साथ हो रही धक्काशाही के विरोध में मोटरसाइकिल मार्च निकाला। उन्होंने बताया कि बीते साल अक्टूबर महीने में पूर्व कांग्रेसी सरपंच कश्मीर लाल ने गांव बाजे के रहने वाले एक गरीब किसान हाकिम चंद की दुकान को जोर जबरदस्ती करके गिराकर उस पर धोखे से कब्जा कर लिया था और किसान हाकिम चंद सहित उसके परिवार के साथ मारपीट कर उन पर झूठा मामला दर्ज करवाकर उन्हें गुरु हर सहाय के थाने में बंद करवा दिया, जिसके बाद जबर विरोधी संघर्ष कमेटी ने पीड़ित किसान को थाने से छुड़वाया और इंसाफ के लिए फिरोजपुर के जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना दिया और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाकर उक्त कांग्रेसी सरपंच पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ित हाकम चंद ने फरीदकोट में इस मामले को लेकर एक केस किया था जो उसके पक्ष में हुआ है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस प्रशासन इस मामले में पूर्व कांग्रेसी सरपंच कश्मीर लाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिला मीत प्रधान क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब, असी आज जिहड़ा ये मोटरसाइकिल दे उपर झंडा मार्च पिंडां दे विच कर रहे हैं, इहदा कारण है कि जिहड़ा पिंड बाजे के दे विच एक कश्मीर लाल है जिहड़ा राणा सोढ़ी का बड़ा छेता बनया होया, उन्हें पिंड दे ही एक गरीब दुकानदार हाकम चंद की दुकान 6-7 महीने पहला ढा के अपने कोठी के घर के मिला लिया, उसका सारा समान चुक लिया, कुटमार करके जो थाने फड़ा दिता से, तो असी जरा जथेबंदियों वालों प्रोटेस्ट करके उसको छुड़ाया से और लगातार उसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हूँ जो हाई कोर्ट के असी रिट पाई सी वह भी पक्ष जरा जरा फैसला है वह हाकम चंद के पक्ष में आ गया, पर जो प्रशासन है वह नंगा चिट्टा कश्मीर लाल की हिमायत करता हो राणा सोढ़ी की शह से जिहड़ा हजे भी वह प्लाट का जो कब्जा है वह हाकम चंद को नहीं दवा रहा, तो असी जबर विरोधी संघर्ष कमेटी वालों 28 मई को जोड़ा गुरु घर साहिब वड्डा प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि जो प्रशासन है वह गुम कर नींद का सुत्ता जगा सकी। कश्मीरी लाल ने जी राणा सोढ़ी की शहर गुंडागर्दी की उसका मूँह चोर जवाब दे सके और जो हाकम चंद है उन्होंने जो खुस्सा प्लाट दवाई है और मान सम्मान बहाल करने जोड़ा 28 को वड्डा प्रोग्राम कर रहे हैं, उस संबंधी अच्छ असं पिंडा झंडा मार्च कर रहे हैं ताकि 28 असी वड्डा इकट्ठ करके कांग्रेस सरकार और राणा सोढ़ी और कश्मीरी लाल की गुंडागर्दी का मूँह तोड़ जवाब दईए और असी आम लोगों इंसाफ पसंद लोगों अपील करते हैं कि 28 मई के प्रोग्राम वड्डी गिनती में गुरु घर साहिब पहुँचो। तुहाडा सारा धन्यवाद साथियों। मैं नौनिहाल सिंह जिला प्रधान नौजवान भारत सभा फरीदकोट, अज असी जो है गुरु साहिब एरिए फिरोजपुर जिले के मोटरसाइकिल मार्च कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिल मार्च इसलिए किया जा रहा कि पिछले दिनों दे विच कश्मीर चंद बाजे के जो साबका सरपंच है उत्थों दा, उन्हें पिंड दे एक हाकम चंद दे नां दे व्यक्ति दे नाल जिहड़ा कि उहदी एक दुकान सीगी उसनों ढा ढेरी करके उहदा जिहड़ा समान सी उहनूं खुरद बुरद किया, उहने राणे सोढ़ी की शहत जिहड़ी उत्थे रज के गुंडागर्दी की, उहदे परिवार की कुटमार की, उहनूं थाने फड़ा के उहनां ते नजायज़ परचा दर्ज करवाया गया। वो सारे कासे के खिलाफ राणे सोढ़ी की गुंडागर्दी के खिलाफ कश्मीर चंद की गुंडागर्दी के खिलाफ अज का जो मार्च आ इंसाफ पसंद जथेबंदियां कर रही, तो आने वाली 28 तरीक न असी एक वड्डा इकट्ठ है जिहड़ा वो गुरूरसा दे विच करन जा रहे हैं। समूह गुरूरसा इलाका दे ते फिरोजपुर जिले के निवासियों को बेनती आ कि इस जबर के विरुद्ध जिहड़ा इकट्ठ किया जा रहा उस दे विच वड्डी गिनती दे विच पहुंचण की कृपालता करो तां जो राणे सोढ़ी नूं ते इतों के कश्मीर चंद नूं जिहड़ी इह गुंडागर्दी जिहड़ी उन्होंने की आ उस नूं नत्थ पाई जा सके, अगे तो जिहड़ा माहौल शांत रह सके, कोई कश्मीर चंद वर्गा जां राणे सोढ़ी वर्गा किसी होर दुकानदार की दुकान जां किसी का मकान जां किसी का प्लाट ना दबा सके। मेरा नाम जैल सिंह है जी, मैं क्रांतिकारी मजदूर यूनियन का आगू हाँ सूबे का, तो यह मसला साढ़े को आया, ये मसला बहुत ही वड्डी धक्केशाही हुई है अपने हाकम चंद जी नाल। इन्हां दी 32 साल पुरानी दुकान सी जो इन्होंने खरीदी हुई सी, रजिस्ट्री इंतकाल इन्हां दे नां सीगा, तां हाकम चंद अपने कश्मीर चंद ने जो राणे सोढ़ी दा मतलब वर्कर हैगा तां उन्हें मतलब इहदी दुकान नूं शरेआम 12 अक्तूबर नूं ढाया गया, तां इन्हां नूं थाने फड़ा दिता गया, परिवार की कुटमार की,
और 15-16 लाख का जो समान है वह भी चुक के लै गया। तो उस तो बाद असी जथेबंदियों वालों लगातार मतलब प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। असी 3-4 बारी मतलब प्रोटेस्ट किए पर अजे तक कोई भी इंसाफ नहीं मिलिया। तो हूँ असी 28 मई को प्रोग्राम गुरुवर साहिब रख्या होया है ता कि असी पुलिस प्रशासन जिहड़ा उहदे बोले कन्नां तक जिहड़ी आवाज़ पहुँचा सकीए। राणा सोढी शरेआम जिहड़ा अपने उस कश्मीर हाँ जी, मैं हाकम चंद पिंड बाजे की रहने वाला हाँ। जो मैं 35 साल तो इतने काम कर रहा सी, जो मेरी मालकी जमीन सी इन्हां कोलों ही मैं खरीदी सी, तो इसने कोठी बनाई है 2 नंबर दे विच। किसने बनाई? कश्मीर लाल ने कोठी बनाई है जिस ते 2-3 करोड़ रुपया इस बंदे ने लाया है, जिस ते बैन भी लग्या होया है। ये मैनू सीधा सामने इन्हें नहीं कहा, लोगों को कहता रहा भी ये कोठी खाली कर दे, जगह खाली कर दे, नहीं तो मैं इसकी जगह मलिया मेट करके आप दिनार ला लाँगा। मैं इस काफ़ी कहा, मैं क्या यार मैं थोड़े को मुल ली है, पैसे नाल ली है, तो मैं मेरा रोटी का मसला है, इस करके जरा ना तुम मैं खराब ना करो। पर इन्होंने कहा ना जी ना, ये मेरी कोठी की शान खराब कर दी है। सो इस करके मैं जो जगह पर माड़ा मोटा काम करना सी, उसारी का काम करना सीगा, ये 5-7-10 बंदे 20 बंदे लै के मेरे गढ़ पै गया, गुंडे लै के, तो इसने मेरी दुकान ढा ढेरी कर दी है, तो मैं पुलिस से मेरे नजायज परचा कर दिता। इसने उस तो बाद मेरे नाल जथेबंदियां ने मेरा साथ दिता, जो कि मैं पुलिस तो बचा के थाने छुड़ा के लैके आए। पर मैं उस तो बाद केस किया, हाई कोर्ट केस किया, जो मेरे हक में उन्होंने कहा है, पर कोई पुलिस प्रशासन कोई इसका मेरा मसला हल नहीं कर रही। इस करके हुण जथेबंदियां मेरा साथ दे रही हैं, मैं इन्हां दा बहुत धन्यवाद करता हाँ, जो इन्होंने विश्वास दवाया है कि मैं तुहानूं ये जगह तुहाडी वापस करावांगे। सो हाँ जी मैं इस राणे सोढी नूं असीं वोटां पाउंदे रहे हाँ, पर इसने उल्टा मेरे ते कोई जिहड़ा बंदा इसनूं चंदा दिंदा रहा, फंड दिंदा रहा कश्मीरी लाल, वो इस दी ही मदद कर रहा है, मेरी इसने कोई मदद नहीं की, उल्टा सगों इस ते मेरे ते नजायज कार्रवाई कर रहा है। फिरोजपुर से सुख चैन की रिपोर्ट।